है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चानी डॉट आर्यन। तो आप कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम रील्स के लिए रेडी हो रहे थे क्योंकि अभी बज रहे अढ़ाई या डेढ़। तो आज सुबह में हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि इतना मेरा नींद, मतलब सोए हुए थे और 4 बजे तो उठ गए थे, पर खाना ना बना के फिर जाके कपड़ा वपड़ा जितना था सब सरियाए। अब क्योंकि घर पूरा गंदा हुआ था और सुबह सुबह मम्मी भी आज उठ गए थे। यहाँ भी मम्मी बैठी है और मम्मी भी उठ गए थे सुबह सुबह 7 बजे। 7 बजे तक उठे थे ना आप? 7 बजे तक उठे थे ना? 7 बजे तक उठे थे ना आप? आज हम 4 बजे तक खाना ना बना लिए, उसके बाद मम्मी को देख रहे मम्मी उठी है। जो भी थोड़ा मोड़ा मेरा बर्तन, क्या यहाँ जो बर्तन रखा रहता है वो जाके सिर्फ धो देते हैं, और कहीं का बर्तन जहाँ से रहता है उनको कुछ पता नहीं चलता कहाँ कहाँ सब बर्तन रहता है। तो जहाँ एक जगह बर्तन रहेगा वही जाके हम धो देते हैं, और मम्मी हर जगह देखते रहेगी कौन कहाँ कहाँ बर्तन है, तो वो सब देख के उसको धो देती है, है कि नहीं? और उसी में मतलब आज कपड़ा भी बहुत, कल कपड़ा बहुत था तो कल नहीं खींच पाए थे तो आज खींचे हैं। और मम्मी बोली कि कल खींच लेना, आज कल की शाम हो गया था, हमको वीडियो बनाना पड़ रहा था, तो आज सुबह सुबह ही सब काम कर लिया, है कि नहीं हमें? हाँ, और अभी आराम से मम्मी बैठे हुए हैं, नानी उधर सो रहे हैं वहाँ पे, नानी यहाँ भी देख सकते हो, खाली कपड़ा का ही मतलब ये घर रखता है। हर जगह देखिएगा आप लोग, कपड़ा यहाँ पे रहता है क्योंकि छत से कपड़ा पर लाते हैं यहाँ पे रख देता है कोई छत पे, तो ऐसे कपड़ा वपड़ा फेंका जाता है। यहाँ सारे वारे बहुत कपड़ा यहाँ पे रहता है, फिर उधर भी रहता है, फिर इधर भी रहता है, चारों तरफ कपड़ा ही कपड़ा हम लोग का घर में रहता है। और अभी अभी रेडी होंगे रील्स बनाने के लिए, और ना मेरा मतलब ना हस्बैंड है ना देवानंद है, वो भी गया कहीं घूमने, और वो मतलब मेरे जो हस्बैंड जम्मू ही कुछ काम से गया, गाड़ी का सर्विसिंग करवाना था, तो उसके अब देखे देवानंद गया था सुबह में। हाँ, बोला था आपको? बोला कि जा, 4:30 बजे उठा था, हम उठ गए थे ना, तो हम उधर बर्तन धो रहे हैं, उधर आके देख रहे हैं नहा सुना के रेडी वेडी हो के अपना जा रहा है। हमारा जाइए, हम पूछे कहाँ जा रहे हैं तो नहीं बोला हमको। हाँ बोला जा रहे घूमने, थोड़ा सा ऐसे ही घूम फिर के आएंगे, घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाते हैं, और ये सब घर में क्या करते रहेंगे, कुछ काम धाम कर उड़ के बैठे रहते हैं, जैसे मम्मी अभी आराम से बैठे हैं, बस ऐसे अपना बैठे रहते हैं, ऐसे दिन चाहते रहता है, तो वो भी जानो बेचारे बोर हो गया होगा, इसीलिए गए घूमने फिरने। और अभी हम यहाँ पे कोई है क्या? कोई नहीं, अभी हम बैग निकाले वहाँ पे बैठेंगे आराम से, उसके बाद मेकअप वेकअप करके जाएंगे छत पे, और छत पे भी बहुत धूप रहता है, फिर भी हमको जाना पड़ता है रील्स बनाने के, शाम को खाना वाना पकाना पड़ता है इसकी वजह से, और जितना जल्दी काम हो जाता है उतना जल्दी अच्छा भी रहता है, उसके बाद क्या आराम भी करो आराम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नहीं अभी? हाँ, अभी दोनों के दोनों घर पे, अभी दोनों के दोनों नहीं है घर पे, नहीं तो यहाँ पे कोई बैठा रहता कोई वहाँ सोता रहता, अभी कोई नहीं है घर में। हम जैसे सब आएंगे ना तो सबका आवाज सुने, उन लोगों का इतना घर में आवाज मतलब गूंजता है ना, ये करो वो करो, है कि नहीं? एक सिर्फ तीरो है, आप लोग उसको देखते होंगे रील्स में, मतलब एक बार देखे होंगे, वो आज ही मेरे साथ रील्स बनाएगा, पर अभी गया थोड़ा सा फ्रेश होने, तो उसके बाद आएगा नहा सुना के तब वो रील्स बनाएगा, और मेरा तो हो चुका है, तो अभी चलते हैं छत पे, उसके रेडी हो चुकी हूँ और रील्स बनाने आए हैं, तो आप लोग दिखाते हैं कि हम कितना, ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूप है, और हमको ये इधर ही वीडियो बनाना पड़ता है, और इधर देख सकते हैं पहाड़ी, रात को सब सोता है ना, तो मतलब कोई कोई छत पे सो जाता है, तो ऊपर में पानी उनी लेके आ जाते थे, और भी यहीं पे है, और क्या है ना कि इतना धूप में हमको वीडियो बनाना पड़ता है, आप लोग देख सकते हो, और मतलब जब धूप कम होता है तभी हम लोग जाते हैं रील्स बनाने,
उसके बाद हमको फिर काम देख लेते हैं कि काम भी करना है, तो हम धूप में ही चल जाते हैं रील्स बनाने। और बहुत ही गर्मी है और वैसे इतना धूप, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। क्या था? तो चलिए गाइस देखते हैं, बनाते हैं रील्स, और इसीलिए बनाना पड़ेगा धूप में ही, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। और रात कल मतलब सुबह में कपड़ा खींचे थे और अभी तक तो उठाए नहीं, अभी उठाएंगे और एक साइड सबको भी कर देंगे, क्योंकि हम बोल रहे थे सुबह में हम कपड़ा वपड़ा खींचना पड़ा तो बहुत ज़्यादा आदम इधर पसारे हैं, कोई कुछ उधर उधर ऐसे पसार देते हैं तो हो जाता है। तो चलिए अब रील्स बनाते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं और देखते हैं मेरा हस्बैंड कब तक आता है घर पे, क्योंकि वो सुबह में 8-9 बजे तक गए थे और अभी 2:30 बज रहे, 3 बजने वाला है। तो चलिए देखते हैं कब तक आते हैं। तीरो और मेरा शूट करेगा तीरो, क्योंकि कोई वीडियो मतलब शूट करने वाला है नहीं और अकेले होता भी नहीं है, तो तीरो अच्छा से कर देते हैं, मैं सबसे छोटा देवर है तो वो सबसे अच्छा वीडियो बना देता है और शूट कर देता है अच्छा से। उसके साथ भी 1-2 रील्स बनाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अभी तो जाते हैं, अभी थोड़ा मोड़ा हवा चल रहा है, पर धूप भी है और हवा भी चल रहा है, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा मोड़ा उसमें ठीक है, पर बहुत धूप की वजह से ना वीडियो बना ही नहीं पाते अच्छा से। तो अभी हम मेरा रील्स बन चुका है, अब जब रील्स बना के नीचे जा रहे तो धूप भी बहुत कम हो गया, और जिस टाइम हम आए थे उस टाइम इतना धूप था जो बनाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर बन गया और अच्छा है कि बहुत जल्दी मेरा रील्स भी बन गया है। और अभी तक अभी 4:30 बज रहे हैं, तीनों 4:30 बज रहा, अभी तक वो आए नहीं है, पता नहीं सुबह का 9-10 बजे गया, अभी तक लौटे नहीं है। गाड़ी का मतलब गाड़ी का सर्विसिंग हो चुका था, वो कॉल करके हम बात किए तो हो गया था, और वो कुछ मतलब और कुछ काम था तो वही करवा रहे थे। और अभी इतना सुंदर हवा आ रहा है छत पे, जो अब नीचे जाने का मेरा मन नहीं कर रहा, पर हमको ये सब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि खाना पकाने के टाइम हम सही बात बताएंगे तो साड़ी पहन के मेरे से एक भी काम नहीं होता है। हाँ सूट पहन के कर लेते हैं, पर साड़ी पहन के एकदम नहीं होता, क्योंकि साड़ी में इधर से लफ्स आ जाओ तो उधर से ये हो जाओ, तो हमसे नहीं होता है, सही बात मेरा ये है। तो हाँ कभी कुछ पूजा वूजा हो जाता है तो साड़ी कैसे ही पहन के हमको पूजा मतलब कर लेते हैं, या कुछ बनाना पड़ता है तो उसमें बना लेते हैं साड़ी पहन के, पर ऐसे ही कुछ मतलब होता है कि हाँ ये करो वो करो, साड़ी पहन के बिल्कुल ही नहीं बना पाते खाना वाना, इसलिए अभी जाएंगे चेंज करेंगे, उसका सूट पहनेंगे, अभी तो जाके फिर नहाएंगे, क्योंकि धूप की वजह से मेरा पूरा देह जलने लगता है और माथा भी दर्द करता है, इसकी वजह से ये मक्खी बहुत इधर उधर करता है, मैं वीडियो बनाने के टाइम में भी यहाँ बैठ जाता है, यहाँ बैठ जाता है कि नहीं तेरा? और मेरे साथ बनाया है वीडियो ये, अब गाइस इसको देख सकते हो इधर से टर्टी। क्या हुआ अभी, कितना अच्छा हवा चल रहा है तेरा, हाँ इसको आप लोग देख सकते हो, आप पूरा अच्छा से जान चुके होंगे मतलब देख चुके होंगे, क्योंकि सबसे घर में सबसे छोटा है ये, और सबसे छोटा है पर प्यार इसको ही मिलता है, सब प्यार इसको मिलता है पर डांट भी सुनता है बेचारा। कल रात को क्या हुआ हम बताते, कल रात को ना 10 बज रहा था ना, ये गेट खोल के बाहर गया, मेरा हस्बैंड देखा कि तुम इतना रात को बाहर क्यों गया, ले धमाधम डांट सुना मार, क्योंकि घर में मतलब तो घर में ना रात के किसी को भी घर से बाहर जाने का अलाउड नहीं मिलता है, कोई भी रहे उसे, और ये रात को क्या किया जाके पता नहीं क्यों बाहर चला गया, तो बोला ना कि बाहर में ना कुछ ये वो हो रहा था, तो वही क्या यू हो रहा है, इतना अच्छा शांति, हम लोग छत पे सोए हुए थे, छत पे इसलिए सोए थे क्योंकि कल भी लाइन चला गया था, आप लोग बताया और लाइन यहाँ जाते रहता है, दिन भर लाइन जाता है फिर रात को भी लाइन जाता है, तो हम लोग को पुरनका रूम में सोना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बैटरी से लाइन रहता है, तो बैटरी पे हम लोग सो जाते हैं, तो बैटरी पे सो नहीं जाते हैं, दूसरे में सो जाते हैं, और जब लाइन आएगा तो इस रूम में अपना रूम में आ जाएंगे। तो वही रात को कल ना 7 बजे से 11 बजे तक लाइन नहीं 10 बजे तक लाइन नहीं था, उसके बाद 10:30 बजे लाइन आया, फिर उसके बाद लाइन गया, फिर उसके बाद लाइन आया, यहाँ पे लाइन जाते रहता है। और ये क्या किया कि बेचारा बाहर निकला
और जो मेरा हस्बैंड है ना, किसी को भी रात को बाहर निकलता देख लेगा ना, कोई भी हो, तो वो एकदम बर्दाश्त नहीं करता है, डांट डवारता है सबको, क्योंकि उसको ये पसंद ही नहीं है कोई बाहर जाए, क्योंकि वो अकेले निकलने का ये नहीं होता है। और कोई अकेले निकल भी जाता है तो अच्छा के बात नहीं है, हाँ कहीं अकेले जाना नहीं है, तुम किसी और को लेके जाओ, ऐसे मतलब बहुत ही होता है। तो इसीलिए कल बेचारा ही बहुत ही मार भी खाया और डांट भी सुना, पर इसका गलती की वजह से ये डांट सुना। हम कल बचाने भी गए थे, तो हम बताने गए थे पर हम सोचे हमने डांट सुन जाए, इसकी वजह से हम भी हट बेचारा पर उतना मार नहीं खाया, ठीक अपना गलती की जितना गलती की उतना सजा भी खाया है ना। तुम कौन सा मन से गेट खोल के बाहर चल गया है, हल्ला, अरे हल्ला हो रहा था, हम लोग सोते हुए, तुमको हल्ला कहाँ सुनाई दे रहा था, हल्का हो रहा ये रात को ना, कभी मेला वाला होता है ना तो अकेले निकल जाता है, हम लोग को पता नहीं चलता है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ था, एक बार बाहर निकल कर कहीं मेला लगा हुआ था तो घर में आया लेट से 9:30 बजे, बैलून लेके आया था बेचारा का, बैलून भी फूट गया, डांट भी तुम्हारा बात सुना, हमको बहुत ही हंसी आता है। इसका भी गाइस इसका कहानी सुन के ना आप लोग बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसका कहानी एकदम मस्त मस्त कहानी ये लाता है। तो दिन भर बाहर रहेगा, रात को आता है तो धमाल मचता है कि नहीं पीरो। तो चलो अभी हम नीचे जा रहे हैं, इस वीडियो तो बन चुका है और डाल भी दिए इंस्टाग्राम पे, आप लोगों देख लीजिएगा जिसको जिसको मेरा आईडी पता है, नहीं पता है तो चांदनी आरजे का होना चाहिए ये मेरा आईडी का, मतलब इंस्टाग्राम का आईडी का नहीं। तो भी चलते हैं, अरे धूप कम हो गया तेरा, इस टाइम रोज आएंगे तू, है कि नहीं, इधर स्टिक बुझाता है, एकदम मस्त बुझाता है क्या बताए यार, घर में सबका तबीयत खराब ही हो रहा है, खाना खाना करो कर रहे हैं ठीक होगा, कोई बात नहीं, चल ननिया तेल लगवा देते हैं रात में, ठीक लगवा दें, ठीक है वो नहीं लगी थे हम लगा देते हैं। और मम्मी बोल रहा है कि चांदनी को आप पढ़ने दीजिए, समझे, पढ़ेगी लिखेगी तो अपना देखेगी आगे। अरे मम्मी बहुत कमेंट आ रहा है ना कि वो नहीं पढ़ेगी तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। झूल हटता है, चुप न रह। अरे उसका भविष्य क्यों खराब करिएगा बताइए आप, कुछ ना होता है। मम्मी को हम गाइस मना ही लेंगे कुछ भी हो, बट चांदनी पढ़ाई करेगी, अभी 10th का एग्जाम है उसको देना है फरवरी में, तो अभी से तैयारी नहीं करवाएंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो मैं वो सब सोच रहा हूँ यार, उसके लिए मैं सोचा भी था लेकिन वो पढ़ती नहीं है, पता है फोकस नहीं करती है ज़्यादा, धीरे धीरे पढ़ते है ले, सर्दिया इन्हीं के नाकाम सुनते हैं, ठीक है डॉक्टर के पास ले जाओ कल सुबह में, ठीक है समझ ली ना, काना गंदगी हो तो साफ करवा दो, कि पानी वानी चल गए ना, देखिन काना ये बढ़िया बढ़िया देखिन ना, ने हम कैसे देखिए, हम डॉक्टर ही थोड़ी, गंदगी है कान में, गंदगी है, ठीक हो ही तो मम्मी टेंशन मत ले और रेस्ट कर, ठीक हो जाए, खा मतलब बोले खाना वाना जल्दी रेडी करते
सूझ जोर समझ ले ठीक है। और चलिए गाइस चांदनी को दिखाते हैं वो क्या कर रही है। और चांदनी आज कल ज़्यादा ही एक्टिव है, मतलब अपने काम को लेकर, अपने फैमिलीज को लेकर अच्छा है वो। अब लगता है कि बाबा के पास जो ले गए हैं उसको असर कर रहा है वो सब चीज़, ठीक है। तो फाइनली अब अच्छा लगता है। चांदनी आज क्या बनाने वाली हो चांदनी? चूड़ा का पोहा। हाँ चूड़ा का पोहा। पोहा बनाएगी? पोहा तो नाश्ता में बनाया जाता है ना नूनू? पर खाने का भी बनता है। और तुम्हारे पास कोई टी शर्ट नहीं है? अरे हम सोए थे ना तो कपड़ा उपड़ा सब खींच दिए थे। और जो तो खींच दिए तो नहा के फिर दूसरा पहन लेती। पहने थे और क्या किया ना कि आपका कपड़ा जिसमें खींचे हुए थे उसमें जाके रख दी। वाह। तो उसी में भींग गया तो हम क्या करें, उसको नहीं पहन सकते थे। और इसको क्या किया एक साइड में रख दिए थे। किचन बन जाएगा तो अच्छा होगा ना चांदनी? इधर भी ठीक है, आराम से बैठ के बनाते हैं। वैसे हमको बैठ के खाना बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठो उसके बाद खाना वाना बनाओ है कि नहीं? अभी खड़ा होने वाला आदत अच्छा रहेगा, कुर्सी लगा दिया करेंगे तुम्हारा किचन में। हम समझ गए आप क्या करना चाहते हैं। क्या क्या बोलना चाहते हैं? क्या किचन वैसे मेरे हिसाब से ठीक है। और गाइस आप लोग जो सोच रहे हो वो नहीं है, मतलब गलत फहमी है आप लोग का कि आप लोग कमेंट कर रहे हो कि चांदनी डैश है, बट वो नहीं है। क्या? कुछ नहीं। क्या अभी कुछ बोले? कुछ नहीं। तो चलिए गाइस अभी घर में सबका तबीयत थोड़ा डाउन है और ठीक हो जाएगा। मम्मी इतना देरी कैसे लगा बाहर गए थे तो? अरे सर्विसिंग में थोड़ा टाइम लगा, नंबर लगा के करना पड़ता। अभी हम बेचारा तीरो से कितना सामान मंगाएंगे। और गाइस तीरों के साथ वाला रील अच्छा लगा ना आपको? आप हमको बताइएगा कि तीरों के साथ जो रील्स बनाते हैं आप लोग कैसा? सब बोलता है कि ये मेरा छोटा भाई जो है ये मेरा कार्बन कॉपी है, वो नमक बेड पे रखा हुआ है, नमकीन बेड पे रखा हुआ है। अरे वो अभी तीरो लाया है ना सामान, तो वही निकाल के दिया है कि देखिए कुछ भूल तो नहीं ना गया। तो गाइस घर में बस यही माहौल चल रहा है। और हम लोग जो ट्रिप बना रहे थे घूमने जाने का, तो बस हम लोग बहुत जल्दी घूमने जाने वाले हैं। तीरो जाके कढ़ाई कर छोड़ लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए ब्लॉग कैसा लगा।